देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के सितारगंज में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। जी हाँ, इस चिलचिलाती धूप में जहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं प्रशासन ने खंड विकास कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों से सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों के नामांकन कराने के लिए आ रहे प्रत्याशियों के भीषण गर्मी में खड़े होने के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे प्रत्याशी और उनके समर्थक चिलचिलाती धूप में नामांकन कार्यालय ऑफिस की खिड़कियों के सामने खड़े होने को मजबूर है। यही नहीं, गर्मी में आए लोगों के लिए न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और न ही धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। धूप से बचने के लिए लोग मकानों की दीवारों के सहारे से खड़े होने को मजबूर है। जनता बुरी तरह से परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं है। हालांकि प्रशासन वहां मौजूद है और सारे तमाशे भी देख रही है, इसके बावजूद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। क्या यही उत्तराखंड की प्रशासन है? नाली में चल रहा है, जो कि निचले स्तर से सबसे पहला स्तंभ है यहाँ का, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख करके कुछ भी नहीं लग रहा है कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। ना BDO साहब, ना PWD, ना RO साहब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई लोग महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी कई लोग चक्कर खा के यहाँ गिर चुके हैं। कम से कम ये आप देख रहे हैं खिड़की में, यहाँ नामांकन जमा कराने की भीड़ लगी हुई है, तो इसमें कम से कम एक यहाँ टेंट व्यवस्था हो जाती, टेंट लग जाता जिसमें छाई में व्यक्ति लोग खड़े हो जाए। ना कोई यहाँ पानी की, ना ही पानी की व्यवस्था है यहाँ। कोई भी पानी का ऐसा प्याऊ टैंक नहीं लग रहा है कि जिससे पानी व्यवस्था हो। इतनी विकट गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर जो है कोटि के लमसम पहुँच रहा है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।